काम कर रहे हैं। स्टार्ट अवर सेकंड टॉपिक, मेरा दूसरा टॉपिक आपके साथ। मैं ये पूछने की गुस्ताखी करूं कि आप ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे ना? नो सर। मतलब थोड़े हो रहे हैं? नो, आई एम जस्ट जोकिंग। आपके चेहरे बता देते। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसकी आपको जिंदगी में बहुत जरूरत होती है, वो है हाउ टू फेस क्रिटिसिज्म। अपनी आलोचना कैसे बर्दाश्त की जाए। दुनिया का कोई आदमी अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी पुरुष या औरत अपने आप को गलत मानता ही नहीं है। डेल कार्नेगी की किस पुस्तक में इसका जिक्र है कि एक आदमी ने बड़े मर्डर किए थे और उस पर पुलिस जो है उसे ढूंढ रही थी, और एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ाए आठवें माले बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ था, उसने पुलिस पे फायरिंग की और बाई चांस वहां से वो गिरा जमीन पे। जाहिर था गिरने के कुछ पलों के बाद मृत्यु, इतने ऊंचे से गिरा था। एक पत्रकार भागा गया माइक लेकर उसके पास और उसके मुंह के पास जाकर बोला से एनीथिंग। वो कहता आई एम इनोसेंट, मैं बेकसूर। अगर कोई 30-40 खून करने के बाद अपने आप को बेकसूर मानता है तो आपका तो जमंदरों बेकसूर है। अपा ने क्या पाप किया है? निक्की मोटी गलतियां होंगी, हम अपनी गलती मानते ही नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि अपना नाम सबसे मधुर शब्द है और अपनी आलोचना कड़वा जहर कोई नहीं सुनना चाहता। हालांकि हमें कहा जाता है निंदक नीर राखिए आंगन कुटी चढ़ाए, के निंदक नीर रखना चाहिए। अब अगर आपको अपना क्रिटिसिज्म फेस करने आ गया, ये बड़े बड़े डिग्नेटरीज अमिताभ बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, कोई भी ऐसी शख्सियत है, क्रिटिसिज्म तो इनका भी होता है। एंड हाउ दे फेस इट, कितनी ग्रेस के साथ फेस कर जाते हैं, ये लर्न करना पड़ता है। पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी आलोचना सुनकर खुश होता है, और अपने आप भी हर्ट होते हैं। आप ये झूठे दिखावे के लिए कहते हैं नहीं नहीं मैंने कई बार नहीं गंदा है, तो हंस रहे हम लोग, ये फ्रॉड है। आपको भी फर्क पड़ता है, आलोचना आपको हर्ट करती है। लेकिन कुछ चीजें अगर ध्यान रखेंगे आज के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात, अगर आपकी आलोचना हो रही है इसका अर्थ है आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो बंदा कुछ नहीं करता उसकी कभी आलोचना नहीं होती, हो ही नहीं सकती। मैंने बैंक ज्वाइन किया ना जिस दिन, उसी दिन एक हमारे साथी रिटायर हो गए थे और सब लोग ये कह रहे थे कि बाऊ जी ने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि गलती तो हो ही जाती है, गलती से नहीं की। नहीं, उन्होंने कहा बैंक में कभी कोई गलती नहीं की। तो मैंने बाऊ जी से पूछा, मैंने कहा बाऊ जी आप मुझे बताओ, मैं तो आज ही बैंक में आया हूं, ऐसा कैसे हुआ गलती नहीं हुई? तो बड़े अच्छे और साफ दिल इंसान थे, कहते बेटा इधर आ, ये टंकी है, इसमें जो लेटर आते हैं मुझे उनका जवाब देना होता है, ये लेटर आते हैं इसमें डाल देता हूँ, खोल के जवाब देते ही नहीं, कभी काम ही नहीं किया जाने, गलती कैसे होगी? अगर आप काम नहीं कर रहे तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो आलोचना भी नहीं होगी। अगर आप काम कर रहे हैं तो आलोचना होगी। पहली बात ये समझ लीजिए कि आलोचना कोई बुरी चीज नहीं है। आलोचना इस बात का प्रतीक है कि आप काम कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। नंबर दो, आलोचना को फेस करने के लिए क्या करना है? नंबर दो पे आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका आपकी आलोचना कर कौन रहा है, आपकी आलोचना कौन कर रहा है। आलोचक दो तीन तरह के होते हैं। पहले आलोचक वो होते हैं जो पेशेवर आलोचक हैं, पेशा ही है आलोचना करने, मजा बड़ा आता है आलोचना करते हैं, ऐसी गल है, बागो बाग है दिल, तुम सारी दुनिया कही जाते हो फिल्म बहुत वधिया, फिल्म वधिया, तुसी डांस करो, है कड़ी फिल्म है कौन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਮੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਆਧੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਬਾਤੇਂ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸੇ ਇਹੀ ਕੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀਜੇ ਦਾ ਤਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਐਨਾ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਾਈਫ ਮੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਲੋਕ ਜੋਬ ਲਗਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇ ਕਰਦਾ इसमें बहादुरी क्या है आई डोंट नो और क्या ये सच है आधी से ज्यादा बाहर तो ये झूठ होता है असल कहानी और होती है मेरे ने कहा कल तो टाइम यही कर देगा सर कहानी खत्म हो गया सॉरी सर अगे तो नहीं बाहर आके ऐसा क्यों करते हैं वो मॉडल हर्ट हो ना उनके एना कहने भी तू लेट आना उनके भी हर्ट हो गए ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੈਂ 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 ਝੂਠ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੀਚੇ ਗਾਣਾ ਗਾਤੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰੋਂ ਮੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰੋਂ ਮੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੰਨ ਫਲ ਹੋਗਾ ਨਾ उनको हर जगह पर नेगेटिव चीज ढूंढकर आलोचना कर अगर कोई ऐसा आलोचक आपकी आलोचना कर रहा है फॉरगेट इट भूल जाए तवज्जो ही ना दें उसका जवाब ही ना दें उसका नोटिस ही ना लें सबसे बड़ी सजा है उसको इग्नोर कर अब दूसरी तरह के आलोचक वो होते हैं जो मारे जलन की आलोचना करते हैं प्रॉब्लम उनको अंदर से कहीं और होती है कोई और चीज थी लेकिन वो आपकी कोई और कमी निकाल रहे थे उन प्रॉब्लम किसे कई बार की बात तुसी कुछ हासिल कर रहे हो तुसी कुछ गेन कर रहे हो तुम्हारा कोई स्टेटस है कुछ लोग जेलस फील कर देते हैं वो जेलस फील करन करके लब के ले आते हैं अभी मां एक पॉलिटिकल बात है वैसे मन से अच्छी नहीं लगती लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं एक बंदा मोदी जी के बारे में प्रधानमंत्री साहब के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म कर रहा था मैंने उनसे पूछा क्या बुरा करते हैं भाई कहता सारा दिन ड्रेस ही तीन तीन चार चार चेंज कर लेता है मैं कह ये तो आप उनकी तारीफ कर रहे हो एक भी तारीफ होगी मैं कह इतना होगी इतना मतलब ये निकलता है भी उसे ड्रेस चेंज करने के अलावा तेरे मुंह में कोई अवगुण नहीं लग गया ताई तो तुम ड्रेस आ गया ये वाला क्रिटिसिज्म आउट ऑफ जेलस होके हो जाता है इस क्रिटिसिज्म की भी कोई वैल्यू नहीं ऐसे जो क्रिटिसाइज करते हैं दे मे बी ए यू कैन से करेक्टर टू बी सिंपेथाइज्ड ऐसे लोग हैं जिन पर आपको दया करनी चाहिए तरस आना चाहिए गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बेचारा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये यहां नहीं पहुंच सका है ये वो नहीं कर पा रहा जो मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तीसरा क्रिटिसिज्म करते हैं आपके वेल विशर आपके टीचर आपके पेरेंट्स आपके क्लोज फ्रेंड्स ये क्रिटिसिज्म है जिसको मायने देने चाहिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इसके लिए किंतु परंतु बहाने नहीं ढूंढने चाहिए आपको किसी ने कहा तुम आलसी हो आपको किसी पेरेंट ने बड़े भाई ने किसी क्लोज फ्रेंड ने या टीचर ने कहा आप आलसी हो फॉर एग्जांपल बात कर रहा तो आप अपने आप में अकेले बैठ के बात कीजिए कि क्या मैं हूं रखिए अपने आप को कटघरे में अपने अगेंस्ट केस लड़िए और अगर आपको लगे कि यस मैं हूं तो फिर आप अपने आप को अमेंड करने का काम शुरू कीजिए और अपने अध्यापक को अपने गुरुजन अपने भाई बहन को बताइए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं एंड आई एम थैंकफुल टू यू आपने ये बताया और मैंने इसे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी और ये भी हो सकता कि आपके बड़े आपके सीनियर या आपके फ्रेंड को आपके बारे में गलत फहमी हुई आपकी कोई एक आधा इंसिडेंट या बस वाला हो बाकी ना अगर ऐसा हुआ है तो उनके साथ आप इस विषय पे बात कीजिए खुल के
अपना स्पष्टीकरण बताइए। लेकिन यहां यह पहचान लेना बहुत जरूरी है कि आप जो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं या आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए तो नहीं दे रहे हैं, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप। हम ज्यादातर यही करते हैं, हमारी कोई कमी निकालता है, वो कमी हमें होती भी है तो भी हम अपने आप को कवर करते हैं। हमारे एक नाटक का डायलॉग था, कहता जिंदगी में हर आदमी अपने आप को ठीक साबित करने के लिए तर्क करता है और जिसके पास तर्क नहीं होते वो कुतर्क करता है। कुतर्क मतलब भद्दा तर्क। हम कई बार ऐसे आर्गुमेंट खुद दे रहे होते अपनी लाइफ में जो हमें ही पता होता है कितने लंगड़े आर्गुमेंट देंगे, कितने झूठे हैं, लेम एक्सक्यूजेस। हम बोल रहे होते हैं और हम ही मान रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम विद्यार्थी जीवन में एक डायलॉग हमारा फेवरेट डायलॉग है, हमारे अंदर वाले बंदे को पता होता है अच्छा फिल्म के लिए मिलता है, इस चीज के लिए मिलता है, दोस्तों के साथ गेड़ी मारने के लिए मिलता है, ये वाले काम के लिए टाइम नहीं मिलता तेरे को, अंदर से वाजे आ रही होती, हम उसे इग्नोर करते। अगर आप अपने सीनियर, अपने वेल विशर या अपने फ्रेंड के साथ किसी ऐसे स्पष्टीकरण को जहां आपकी आलोचना की गई है उस पर बात करना चाह रहे हैं तो स्पष्ट दिल से कीजिए, अपनी गलती अपनी नालायकी मान के चाहिए, देखिए इससे आप में इंप्रूवमेंट आएगी। इंसिडेंटली मेरे फ्रेंड अमित यही हैं, जिनके और मेरे बीच में एक बात हुई। मैंने एक नाटक किया, उस नाटक के हर सीन के बाद ना बीच में मैं डायलॉग बोलता था कि अभी अभी आपने देखा ये हुआ है, अब चलो देखते हैं क्या होता अगले सीन पे। तो अमित याया और एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत निर्भीक है और बेबाक मन से निष्पक्ष होकर लिखते हैं। इन्होंने अखबार में खबर लिखी, उसमें ये लिख दिया कि सुरेंद्र नरूला निर्देशक जो हैं क्या वो दर्शकों को मूर्ख समझते हैं, हर सीन एक्सप्लेन करी जा रहे हैं। हम हैं मित्र, तब भी मित्र थे। मेरे बड़े एक्टर्स ने पढ़ा और मेरे पास ले गया, कहना सर देखो थोड़ा बेबी होके थोड़े खिलाफ लिखी है। मैं कह खिलाफ करिए गल ये भी जेड़ा सीन होता उससे सीन तो बाद मैं बोलता था सीन बारे। मेरी और प्रॉब्लम सी जी इन्होंने पता नहीं सी। मेरी प्रॉब्लम की सी कि जो सीन खत्म होता सी पिछों समान बदलना होता सी, स्टेज को समान चक्या जाता सी नवा सेट लग जाता सी, तो सेट लगने वास्ते तो टाइम चाहिए सी, उन्ने टाइम च मैं थोड़ी गल्लां बातें मार लैंदा सी पिछों सेट बदल लैंदा नवा सीन शुरू होता लोग आराम होंगे अच्छा उन्हें तो इतने दुकान सी उन्हें घर आ गया। पर मुझे लगा कि ये क्रिटिसिज्म तो सही है, आलोचना तो सही होती है। उसके बाद उसी नाटक का एक शो हुआ गंगानगर में, उनको जबरदस्ती की सीट खेले गया। मैं चल भाई कहने लगे वही नाटक दोबारा दिखाऊंगा, मैंने देखा हुआ मैं दिखाऊंगा दोबारा। अब क्या हो रहा था वहां, जब भी सीन चेंज होता था वहां गाना तबला ढोलकी ये सारी चीजें लेकर एक गायक मंडली बैठी हुई थी और वो गाना गा रहे थे और उस गाने में उस सीन का कोई जिक्र नहीं होता, वो एक जैसे टाइटल सॉन्ग नहीं होता फिल्मों में, वो टाइटल सॉन्ग की तरह बजता था और अगला सीन शुरू हो जाता। आप इंप्रूव कीजिए, आपका दोस्त बता रहा है ना आपको आप में ये कमी है तो वो जरूर होगी, वो आपका वेल विशर है, वो आपके अच्छे के लिए कह रहा है। यहां मैं फिर गर्ल से फीमेल से क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं कि फीमेल्स बहुत आगे हैं पुरुषों से मेल से अपनी गलती ना मानने के मामले में। वेरी रेयर ऑफ द रेयर के वुमेन से यस, कोई बात नहीं लड़कियों को भी ताली बजाने का मौका मिलेगा, पूरा बराबर का मौका मिलेगा। वेरी रेयर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेटनेस। अगर मानते हो तो फिर तो ये फार्मूला ही गलत हो गया कि लड़कियां मानती नहीं, मानना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने नहीं कहा, जो साइकोएनालिसिस करते हैं वर्ल्ड वाइड उनका कहना है पूरी दुनिया इंडिया नहीं कि पूरी दुनिया की फीमेल्स अपने पूरी लाइफ में यस आई वाज रॉन्ग
यस आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, ये शब्दों का इस्तेमाल पुरुषों की तुलना में 1/3 करती है। ऐसा वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मुझे मत मारिए। लेकिन हर जगह पुरुष मान लेते हैं, ये भी बात नहीं। बहुत सारी बातों में पुरुषों में एक और प्रॉब्लम रहती है, एम का सवाल है, इतनी टेढ़ी हो जाती है, गर्दन भी टूटने का भय हो जाता है। वो अकड़, झूठी अकड़, उसमें बहुत बार ये चीजें पुरुष दबाते हैं। लेकिन मैं पुरुष स्त्री की बात नहीं कर रहा, ये तो जस्ट आउट ऑफ फन मैं आपसे शेयर कर रहा था। हम सबकी प्रॉब्लम है, हम जल्दी से नहीं सुनना चाहते अपनी बुराई, अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपका, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसे तो इग्नोर करें, उस पर तो ध्यान ही ना दें। और अगर कोई बेचारा आपसे जलकर क्रिटिसिज्म कर रहा है, वो भी जाने दें। लेकिन आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत बार बहुत सिंसियरली आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप उनको जरूर सुनिएगा। उनकी बातें सुनकर अपने आप को इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, थिएटर में ही हैं, बहुत अच्छा नाटक भी करते हैं, कराते हैं। एक दिन मैं उनके बारे में बैठा बैठा सोच रहा था, तो मुझे लगा वो कोई अपने अपने खिलाफ या अपनी कमी की कोई बात नहीं सुनते हैं। तो मेरे मन में आया कि दो लाइनें हैं जिन्हें शेर का रूप आप कहें तो शेर कह सकते हैं इसे, कि वो कैसे सजेगा संवरेगा। आंधे भी दादे में आंधे का कोई बात ही नहीं हुई। कवि या शायर दो बार ही मरता है, एक बार कद होनी ना हो भी वाह हो, दूजी बार जितने होनी हो गई हो ना। चलिए चलिए, मैं भी मां आपका दिल लगाने के लिए करता हूं। कहता वो कैसे सजेगा संवरेगा, शख्स जो आईना देखने से डरता है। आप देखिए, हम अपने बालों को जब संवारते हैं, आईने की जरूरत रहती है, आईना बताता है कि ठीक संवर गए कि नहीं, कमी बता रहा है। महिलाएं जब बिंदी लगा रही हैं, ठीक जगह पे लग गई है क्या, आईना बता रहा है। अगर थोड़ी सी इधर उधर लगती है, वो बताता है नहीं भाई ठीक नहीं है। आईने की तरह ही है हमारे आलोचक, वो भी आपको बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, आपसे कुछ पैसे भी नहीं लेते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात शेयर की चली है, तो बशीर बदर साहब हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर हैं, उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका एक शेर मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो कहते हैं, मैं इबादत के तौर पे ये काम करता हूं, इबादत मतलब पूजा, मैं इबादत के तौर पे ये काम करता हूं, बासूर हूं पहले सलाम करता हूं, मेरे मुखालिफों ने सवारी है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं। जिन लोगों ने आपसे दुश्मनी की, जिन लोगों ने आपका विरोध किया, दरअसल वो लोग आपको बेटर कर गए, आपको तराश गए। जिन लोगों ने बताया कि तू बहुत ऐसा है, तू बहुत ऐसी है, आपको आपके कान में इशारा कर गए कि कहां से इंप्रूव करना है आपको, आप करिए। और ये तो कई बार निकम्मे आलोचक भी बता जाते हैं। आप जो मैंने आपको कहा ना, पहली श्रेणी वो होती है जो आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। ऐसे लोगों को इग्नोर तो करें, पर उन्होंने आर्गुमेंट क्या दिए हैं वो याद रखना। कई बार काम की चीजें दे जाते हैं वो, बहुत काम की चीजें। अच्छा है, कोई भी चीज आपको कहीं से, एंड यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू नो, आप किसी ट्यूशन क्लास में जाते हैं, ट्यूटर के पास जाते हैं, आप लेसन लेते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, और ये तो आपको बिना ट्यूशन फीस के कोई लेसन दे रहा है। यू शुड बी ओब्लाइज, आपको थैंक यू करना चाहिए। अपने ऊपर आने वाली बात, अपने ऊपर आने वाली कोई भी तोहमत या इस तरह की बात हमेशा बुरी नहीं होती, आपके इंप्रूवमेंट के लिए भी हो सकती है।
तो जब भी आपका कोई क्रिटिसिज्म करे, अगर क्रिटिसिज्म करने वाला सीनियर और बंदा है, तो उसके क्रिटिसिज्म को लाइटली लें, अपने आप से बात करके देखें कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्या मैं सचमुच ऐसे हूं। लेकिन एक बात जरूर यहां बताना चाहूंगा, कुछ लोग सिर्फ आपको बहस के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं, मजा लेने के लिए। एक नई कैटेगरी है, पहला नहीं हुआ करती। ऐसे बंदे को पता होता है भी ऐस टॉपिक ते ना मड़ा या छेड़ो सरिए बहुत खोलेगा वो करो तैयारी करके आ गए आज हम फिर पढ़ना। ऐसे लोगों को अवॉइड करो, क्योंकि ये जो डिस्कशन शुरू होगी वो आपको बहस में घसीट रहे हैं, आपका अपना समय नष्ट कर रहे हो। उनको हो सकता है मजा आ रहा और आपका हो सकता है खून जल रहा हो, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह के क्रिटिसिज्म को, इस तरह की डिस्कशन को अवॉइड करें। हमारी लाइफ में ज्यादातर डिस्कशन हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन, आपकी उम्र में खास बात है, एक दूजे को हराने वास्ते, नीवा दिखाने वास्ते, एक दूजे को आर्गुमेंट दे के फिर छत्ती जगाया कहने लगे गल ही नहीं आई उन्होंने तो बहुत ही बंद करा दी आप। ये बहुत फखर की बात लगती है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है। लेकिन जैसे आप मैच्योर होंगे आप ये समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन का फायदा है। किसी भी विषय पर बहस हो, कुछ निकले उसमें से, कुछ लाइफ के लिए, कुछ प्रोग्रेस के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ बेटरमेंट के लिए, तो ऐसे आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। और क्रिटिसिज्म आपको एक एक रास्ता दे सकता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। तो देखिए क्या हुआ भाई, शिक्षक कचू गड़बड़ हुई गया क्या? चलिए मैं आपको ये कह रहा था, ये एक अपॉर्चुनिटी, और इंटेलिजेंट आदमी हमेशा वो होता है जो किसी थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बना ले। आपको मिले चैलेंज और आप उसको अपॉर्चुनिटी बना ले। अब कई बार आप, मैं एक सस्ते से एक इजी उदाहरण से आपको बताता हूं। आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई खड्डा आ गया है या छोटा मोटा कोई टिल्ला पर्वत पहाड़ आ गया है, तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं लेने भी होनी आना सी, क्यों हो गया। तो अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं यार आज सीख जाएंगे खड्डे में से कैसे निकालते हैं या पहाड़ कैसे चढ़ते हैं। उसे अपॉर्चुनिटी बनाइए, उसे चैलेंज समझिए, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। जिंदगी इतनी शानदार चीज है, एक एक पल, एक एक मोमेंट इंजॉय करने की चीज है। और भय जो है, क्रिटिसिज्म जब हम फेस नहीं कर पाते ना, तब भी भय होता है। भय हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, डरना बहुत गलत बात है। एक ऐड आती थी, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूं, कि डर के आगे जीत है। यस, वो ड्रिंक कैसी है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली सारे कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। खैर, जहां तक ताल्लुक इस स्लोगन का है कि डर के आगे जीत है, वो सही है। ये स्लोगन शत प्रतिशत सही है। हमारी हार का कारण जो है वो हमारा डर है, अनदेखा अनजाना, ऐसी चीजें जो होनी नहीं होती उनका भी डर हुए रहता है। और ये डर नहीं होना चाहिए, इसे निकाल फेंके। खासतौर पे जो गर्ल्स मेरी बात सुन रही है, बहुत डरती है, ना डरा करें आप। आपके पास टैलेंट्स हैं और लगातार पीछे आने वाले रिजल्टों ने शो किया है कि मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स बेटर कंसंट्रेट करती हैं किसी भी टॉपिक पे, बढ़िया कंसंट्रेट करती हैं। और बेटर रिजल्ट आते हैं। आप कहीं भी टॉपर उठा लीजिए, 10 में से 7-6 लड़कियां हैं। ये साबित कर रहा है कि आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है, आपके अंदर ज्यादा फोकस है, आपके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है। आपका दुश्मन भय है, डर न रखें। कभी भी आप क्रिटिसिज्म से इसीलिए डरते हैं क्योंकि डर रहे हैं कहीं ना कहीं लोग की कहेंगे, मनमो की कहेंगे, यानी कि क्या कहा है उनकी तरह। ऐसा कुछ नहीं है, कहां हमारे इन छोटे शहरों में लोगों को दूसरों के बारे में बातें करने की फुर्सत है, बड़े शहरों में तो किसी को किसी के बारे में बात करने की फुर्सत ही नहीं। अपना अपना ठला चलाना मुश्किल है।
यहाँ अपने वो खास तौर से बंदे बड़े हुए ले आओ देख रहे रोटी नहीं पकती होती मुझे बैलेंस शीट बनाई है ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज्यादा है। बहरा कहीं भी आप कहीं भी डर जहां भी आएगा वो आपको हानि पहुंचाएगा। देखो दुनिया के दो सबसे बड़े डर मैं सारे बच्चों वादा करता जो थके थके महसूस करते याद ये भी ला दुनिया में दो चीजें हैं जिनसे डरने के बारे में बार बार कहा जाता है वो क्या है भगवान और मौत। मैं इस डर पे भी कांटा मारता हूं। देखिए भगवान को या तो आप मानते हैं या आप नहीं मानते। ये नहीं मानते तो डरना की वो तो है ही नहीं। अगर मानते हैं तो वो फिर पिता है हमारा हम उसके बच्चे हैं। कोई बच्चा अपने बाप से तो नहीं ना डरता है। रिस्पेक्ट करना और बात है वंदना करना और बात है डर थोड़ी है। डरेंगे क्यों। दूसरी बात मौत। मौत सबको आती है सबको आई है सबको आएगी अटल सत्य है। कोई नहीं रहा इस दुनिया में परमानेंट नहीं। हमको भी जाना है। जब इतने इतने महापुरुष हिटलर लेनिन वो नहीं रहे तो हम किस खेत का मूंगरा है। हम तो मूली भी नहीं है ना। मूली तो फिर भी कदावार होती है दिखती है। तो हमको भी एक दिन चले जाना है। इससे भाई खाने की क्या बात है। अभी पीछे एक सिंगिंग का प्रोग्राम आ रहा था उसमें कोई थे कुमार विश्वास वो जजमेंट पे बैठे हुए थे। उन्होंने गाने की कुछ लाइनों को अपने ही ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो बंदे ने गाना गाया कि मैं जिंदगी का मजाक उड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और उसमें एक जो पैराग्राफ की लाइन है बहुत ही प्यारी कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाना मैं जिंदगी को ऐसे मुकाम पे लाता चला गया। ये गीता में भी ये लिखा है। गीता में समभाव का जिक्र है कि ऐसा हो जाए अगर आप अपने आप को इतना परफेक्ट बना लें जहां गम आए तो आपको रुला ना सके और खुशी आए तो आपको नचा ना सके वो होगा आपका इंसान होना। वो होगा आपका परफेक्शन की तरफ जाना। एक दिन में नहीं होगा धीरे धीरे होगा। लेकिन यहां जब आ जाते हैं आप तो फिर आप अपनी बातों के जरिए अपने कर्मों के जरिए एक आपके मरने के बाद उठी धुएं की एक लकीर छोड़ जाते हैं। उस लकीर का बात उस धुएं की बात कर रहे हैं। मृत्यु से डरना नहीं है भगवान से डरना नहीं है किसी चीज से डरना नहीं है सिर्फ एक बात से डरना है बुरा कर्म ऐसा ना हो जिससे आपके अध्यापक या मां बाप का सिर छू जाए ऐसा कुछ ना हो जाए हमसे जहां हमारे अध्यापक हमारे गुरुजन हम पे शर्मिंदा हो और आपको देखकर मुंह परे करके निकल जाए। आप ऐसा कुछ बन जाए कि आपका हर एक अध्यापक है कि ये मेरे से पढ़ा हुआ है देख मेरा स्टूडेंट। हम अध्यापकों को तभी गर्व महसूस होता है जब हमारे विद्यार्थी कहीं कुछ पहुंचते हैं कुछ बनते हैं करते हैं कम से कम एक नाम ही जरूर कमाते हैं। अदरवाइज आप किसी भी चीज से ना करें। क्रिटिसिज्म भी आएगा होता है। अभी तक गांधी जी को मरे बहुत सारे साल हो गए हैं आज भी लोग गांधी जी का क्रिटिसिज्म करते हैं ना। आप में से भी बहुत यंग जनरेशन ऐसी है जो उनको बड़े अच्छे अच्छे विशेषण देकर मुझे मालूम है क्या विशेषण तो वो बुलाते हैं उनकी बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को भी हम क्रिटिसाइज करते हैं जो पहले थे उनको भी करते थे जो अब है इनको भी करते हैं। तो क्रिटिसिज्म एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। मुझे लगता है कई बंदे तो बीमार ही हो जाने जो आलोचना बंद कर दे। उन्हें तंदुरुस्त रहने वास्ते जरूरी है 5-7 करानी इधर उधर की गल बात करनी। लड़कियों के बारे में पता लड़कियों में ज्यादा परेशानी पता कौन क्रिएट कर रहा है। हर महल के ना एक मासी एक ताई एक वन डन एक लेडी है जी जरूर होती है जेडी तुहाडे गाय बगाय करे आगे कहते लो यार भैने हुण बी एड करूगी खून जल जाता
पर आप महसूस कीजिए कि इस तरह के प्राणी समाज में पाए जाते हैं। आपको इन प्राणियों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे कई घर में बच्चे हैं, उन्होंने एक एक लेडी आती है उनके घर पे, मैं गया ऐसे बात कर रहे थे तो लेडी आ गई, नमस्ते नमस्ते सर जी, तो दो बच्चे मुझे कहते हैं अंकल अंकल हाँ ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर चलते हैं। मैं कह क्यों कहना एबीसी आ गए, एबीसी आ गए। मैं कह एबीसी आ गए हैं मतलब, कल ऊपर चल के होता था बच्चा छठी सात की बच्चे ऊपर जाके कहता अंकल जी ये आंटी पेजा चट है ए बी सी पेजा चट ही करता। ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ये एनर्जी सकर्स हैं, इनको अवॉइड करिए, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मत डरिए। अब जब तक आप अपने मन की आवाज सुन रहे हो सही दिशा में हो तो डरने का कोई काम नहीं है, डरेंगे नहीं आप। और अपने क्रिटिसिज्म को मैं नक्शल में रिवाइज करता हूँ एक लाइन में, क्रिटिसाइज करने वाला कौन है देख लें, अगर बेकार आदमी क्रिटिसिज्म का भी है तो छोड़ दे, लेकिन उसका डायलॉग याद रखें आपके बारे में क्या बोल गया। अगर वो जलन के मारे क्रिटिसिज्म कर रहा है तो माफ करें कि लीड है बेचारा। और अगर आपका कोई नियर डियर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट या आपका वेल विशर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो टेक इट सीरियसली, डोंट बी अफ्रेड ऑफ। सबका क्रिटिसिज्म हुआ है, सबका होता है, होगा, और इसे इंप्रूव करने के मौके मिलेंगे, सीखने के मौके मिलेंगे, ये सोच के आगे। अब मैं आपसे कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित करता हूं, बहुत विद्वान तो नहीं हूं, जितनी बात जानता हूं जो तजर्बे हैं एक्सपीरियंस है ज्यादा। जी जी किसकी किसकी हाँ जी आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं और उसे बुरा भी ना लगे। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए कहा कई बार हम अपने फ्रेंड्स में कोई कमी इंप्रूव करना चाहते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, मान लीजिए बहुत विद्वान है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है बहुत विद्वान है लेकिन हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, तो मैं उसे कहूंगा जरा पर रूटीन करने कहने आपकी कीड़ी शाही छुपे चाहती पता ही नहीं की लिखा है गिला गिला ही पड़ता मैं सुख रहा बोल रहा ना। ऐसा कुछ कहने की बजाय ये बड़ा सख्त तरीका है कहने का और इससे हर्ट होता है, हमें बड़ा मजा आता है कहने वाले को, सुनने वाला बड़ा हर्ट होता है। ये कहने की बजाय अगर मैं अपने फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में ये लेकर ये कहूं कि भाई मेरे तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे आइडियाज कमाल के हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि तेरा आइडिया से एग्जामिनर के पास कहीं शब्दों की वजह से ना पहुंच पाता हो या तेरे हैंडराइटिंग की वजह से ना पहुंच पाता हो, तेरे को डबल बेनिफिट होएगा अगर तेरा राइटिंग और अच्छा हो जाए तो। अब देखो मैंने कहा और अच्छा हो जाए तो, ये नहीं कहा अच्छा हो जाए तो, क्योंकि जैसे ही आपने कहा अच्छा हो जाए तो तेरा खराब है के तले। वो हमारे अंदर की ईगो है ना, बैठने नहीं ना देती हमें, तो वो उसको आप कहें और अच्छा हो जाए, दैट मीन्स वी आर रिकमेंडिंग हिज हैंडराइटिंग, पहले वाले हैंडराइटिंग को यस बोल के और इंप्रूवमेंट की उसमें गुंजाइश है ये हम बता रहे हैं। इस ढंग से कहिएगा अपने दोस्तों को, तो खास तौर पे बढ़िया तरीके से बताना चाहिए, प्यार से बताना चाहिए, यहां कहीं बहुत ज्यादा इंटीमेसी होती है ना वहां तो फिर चलो गाली गुली देकर भी बता देते लड़के ऐसे मुझे पता है कंजर गया बंदा बन के आ तो जब कह रहे होते हैं तो इसका मतलब बड़ा पॉजिटिव होता है और बड़ा प्यार होता है, ये पंजाबी खलूस है, पंजाबी प्यार है। हाँ जी और कोई कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहता है। हाँ जी हाँ जी सर परे कर दें तो आने जाने वाले के लिए सुविधा रहती है,
लेकिन आप अगर दीवार को परे करना चाहते हैं तो ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अगर कोई आदमी आपको लगता है कि वो ऐसे, आपने सर ने ठीक कहा है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, एक छोटी सी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो समझना चाहते ही नहीं, जो कुछ भी वो नेगेटिविटी उनकी ज्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना ठीक रहता है। उन पे आप एनर्जी जाया करेंगे, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी आप कहीं और लगाएं। एक मैंने मजाक में बात कही थी, सुनने में थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन देखिए सर, आपको वो नुकसान पहुंचा नहीं सकता, वो ऐसी जगह पे नहीं होगा आपको नुकसान पहुंचाने वाला, ऐसी जगहों पे भीड़ बंदे नहीं पहुंचते। आपको अगर ये लग रहा है कि वो ऐसी पोजीशन पे है, वो भीड़ भी और आपका नुकसान भी कर रहा है, तो फिर आप अपने आप को भी चेक करिए, नहीं हमारे अंदर से नहीं। कहीं हमारे अंदर का, मेरा कहने का मतलब, हमारी कोई एडजस्टमेंट की टाई तो खराब नहीं, हमने तो नहीं उसके बारे में कोई गलत धारणा बना ली या गलत ढंग से हैंडल कर लिया। सबके साथ ऐसे होता है, तो सब मिल जाइए, बाल पकड़िए, नीचे उतारिए, तो रेवोल्यूशन जरूरी है। अगर वो सबके साथ मिसबिहेव करता है, इन सबके सामने ढीठ बन के रहता है, तो जितने भी आप लोग सफरर हैं इकट्ठे होइए, बहुत बुलंद कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता वैसे, लेकिन अगर ऐसा है सचमुच में, आई डोंट वॉन्ट टू नो वट इज इट एंड हाउ फार इट गोज, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक आदमी बहुत ढीठ है, वो गलत पे गलत किए जा रहा है और सभी उसके साथ आने वाले लोग हर्ट हो रहे हैं, तो उसको माफ करना बुजदिली है। सियानत का मतलब ये नहीं है आप छितर खाने लग जाए। वो आपको मुन्ना भाई की देखी होगी ना आपने, कहा एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूजी आगे कर दी, उसने फिर मारा, उसने चुपो मारा पड़े, कहता ये क्या, कहता भाई दोनों गाल पे पड़ जाए क्या करने का, गांधी ने बताया नहीं। अगर आप हर्ट हो रहे हैं और आप एक से ज्यादा बंदों को हर्ट कर रहा है, देखिए गांधी जी ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात कही थी, गांधी जी कहते हैं अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देना अहिंसा है, अहिंसा नहीं। अगर कोई इंसान पूरी सोसाइटी के लिए कोई ऐसी चीज बन गया है तो उसे सहना भी कोई बहादुरी नहीं है। यहां कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है, आप उठिए आवाज उठाइए, चेंज इट एंड आई थिंक इट विल पॉजिटिवली चेंज। अगर आप ही की तरह और भी लोग सफर है, सब मिलकर बात कीजिए, एक दो बार समय दीजिए, प्यार से बात कीजिए, देन गो आउट। देखिए अगर सारी दुनिया में सारे मसले, सर आपकी बात ध्यान दीजिएगा, अगर दुनिया में इस तरह के ढीठ लोग ना होते तो आप ये तलवारें बंदूकें बनाने की तो लोड़ ही नहीं थी, आप हेलो शेलो करके जल्ला माता ना सारा कुछ सीधा कर रहे थे। कुछ लोग हैं एक कैटेगरी ह्यूमन बीइंग्स की ऐसी भी है, दे क्रिएट डिसऑर्डर्स, दे क्रिएट पैनिक, उनको डीरेंजमेंट करने में मजा आता है, सैडिस्ट है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर कुछ होते, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। यू शुड गो अगेंस्ट देम, उनको उनकी सजा दिलाए जो बनती है। हाँ कानून अपने हाथ में ना लें, आप ऐसा कुछ ना करें कि आप भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाए, आप एक सभ्य प्राणी की कैटेगरी में खड़े होकर। जी आप में से कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? जी हाँ सर, तुम्हें अगर गल की थी जेड़ा इकोनॉमिक्स और आर्टिस्ट नहीं होता, पर नहीं कॉमन गल है, वैसे मैं इकोनॉमिक्स भी कर रहे थे, मैं स्केच भी बना रहेगा, तो जे मेरा फ्यूचर की गल करिए भी घर दे की कहते भी तू इकोनॉमिक्स मैथ पढ़, पर जे मेरे आप की इंडिविजुअल गल करिए मैं स्केच बना चाहता, हूँ ब्रेन में कितने पास लाया जाए? देखिए ये इन्होंने बहुत हमारी सुस्पेक्ट है, ये इन्होंने जो मुद्दा उठाया ना, ये हमारे समाज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बड़ी गंभीर बात है। पेरेंट्स जबरदस्ती थोपते हैं बच्चों पर, और हमारी जो अंदर की वो चीजें हैं वो मरती हैं। नहीं तो मुझे 18 साल के बाद बैंक क्यों छोड़ना पड़ता,
पहले मैं बैंक में लगता ही ना। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना, वो आपकी डेस्टिनी है, वो बुला रही है आपको। ऐसे मामलों में जहां समझौता कराना, देखिए हम पेरेंट्स का दिल भी नहीं तोड़ सकते। और कई बार क्या होता है, हमारे घरों का ढांचा ऐसा है, जब हम 20-25 साल के हो जाते हैं, 25 साल के आसपास आते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम कुछ कमाए और मेरी हेल्प करें, ताने मारने लगते हैं, आसी पड़ोसी भी कहने लग जाते हैं, रोटियां खा चढ़ता है कोई लेना। उसको हैंडल करने का आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता ऐसे निकालेंगे, आप कोई भी जॉब या कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करें और कार्टून बनाते रहें, स्केच बनाते रहें, वो ना छोड़े, क्योंकि वो छोड़ेंगे तो आपके अंदर से कुछ मर जाएगा। वो छोड़ दिया आपने, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने वो पोइट पोइमे लिखा करते थे, बहुत अच्छी अच्छी पोइम लिखते थे। पॉसिबली उनकी शादी हो गई, उनकी वाइफ को इतना वो पता पसंद नहीं था, वो काले वाले में उन्होंने जो ही कलम चला के मारा। तो मैं उसे कहता हूं, यार कभी तो फुर्सत मिलती होगी, नहीं तो तू उड़ी क्या कर, जो पेक के जाओगे। क्यों मरने देते हो अपने अंदर के बच्चे को? आपके अंदर का वो बच्चा मर गया जो बचपन से आपको कहता आ रहा है तू ये कर तो आप मर जाएंगे। उसको मरने ना दें, उसको बहलाए, उनका खड़ा खड़ा नौकरी लग गई ना, छामी आके पाई काम करे कर। ये बेटर आउटवे, क्योंकि मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर दें, उनकी बात ना माने, ये अच्छी राय नहीं होगी। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपका वजूद को